स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथमेड। यहाँ मैथ्स होगा और भी मजेदार। बहुत टाइम के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, एक स्पेशल डे का वेट कर रहा था और आज वो स्पेशल डे आ ही गया है। आज है मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केक को कट करने का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर मैथमेटिकल तरीका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तो दोस्तों, मोस्टली हम बर्थडेज पर केक को कुछ इस तरह से कट करते हैं। हम क्या करते हैं, सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर सेक्टर का एंगल डिसाइड होता है फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन से। लेकिन सोचो, अगर इस केक को तीन लोगों में डिवाइड करना है और इस केक को कुछ इस तरह से तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये दोनों कट्स एग्जैक्टली हमें कहाँ पर लगाने चाहिए। हमको पता है कि ये एक सेगमेंट है और किसी भी सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया होता है थीटा आर स्क्वायर बाय टू और इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो जो ये सेगमेंट का एरिया बचा वो क्या हो जाएगा, थीटा आर स्क्वायर बाय टू माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये इक्वल होना चाहिए सर्कल के टोटल एरिया के 1/3 के इक्वल, क्योंकि हम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये इक्वल होना चाहिए पाई आर स्क्वायर बाय 3 के। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी आर स्क्वायर कट करने पे, वो इक्वेशन होगी थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2π/3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप NR मेथड की मदद ले सकते हो, जिसपे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, न्यूटन नायक। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैंने इसको इस इक्वेशन को ऑनलाइन इक्वेशन सॉल्वर की मदद से सॉल्व जब किया तो थीटा की वैल्यू मेरे को मिली अराउंड 149.27 डिग्री। मतलब सेंटर से थीटा डिग्री पे जो कॉर्ड बनेगी, यानी इस एंगल पे जो कॉर्ड बनेगी, वहीं पे हमें इस केक को कट करना है। एक कट हमें ऊपर की तरफ लगाना है और एक कट हमें नीचे की तरफ लगाना है। ऐसे ही अगर मुझे चार लोगों में इस केक को डिवाइड करना है तो एक कट तो अलोंग द डायमीटर लगेगा और बाकी दोनों कट एक ऊपर और एक नीचे लगेंगे। और वो कहाँ लगेंगे, तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी सेम है, सेगमेंट का एरिया इज इक्वल टू सर्कल के एरिया का 1/4। सेगमेंट का एरिया थीटा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू पाए आर स्क्वायर बाय 4। सर्कल का एरिया उसका 1/4 हो गया। r square कट किया तो इक्वेशन अपनी बनी थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। और इसको भी जब इक्वेशन सॉल्वर से सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू आई अराउंड 132 point something। तो ये देखिए, मैंने केक को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक कट अलोंग द डायमीटर और बाकी दोनों कट जिनका सेंट्रल एंगल जो है वो 132 point something आ रहा है। अब अगर सेम पांच लोगों में डिवाइड करना है तो अब हमें टोटल चार कट मारने पड़ेंगे, दो कट ऊपर और दो कट नीचे। अब ये दो कट नीचे कहाँ पे लगेंगे, तो उन दोनों सेगमेंट के लिए इक्वेशन बनेगी। सबसे नीचे वाले सेगमेंट के लिए बनेगा थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2π/5। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू मिली अराउंड 121 डिग्री। और उसके ऊपर वाला जो कट है सेकेंड सेगमेंट के लिए, थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4π/5, वहां से हमको थीटा की वैल्यू मिली 161.85 डिग्री। तो इस तरह से हमने पैरेलल कट्स करके इस केक को पांच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेकिन इन जनरल हम, जैसे मान लो कि अपने पास n नंबर ऑफ पीपल है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कट कहाँ करना है। तो देखिए, अगर n लोग है, n पीपल है और n मान लो एक इवन नंबर है, तो इतना तो पक्का है कि अगर n लोग है मतलब n-1 कट्स हमें लगाने पड़ेंगे उस केक को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अब वो कट्स कहाँ लगाने हैं वो देखिए। तो मान लो कि n इवन नंबर है, n-1 हमें कट करने हैं और n इवन है, उसका मतलब एक कट पक्का है कि अलोंग द डायमीटर लगेगा। जैसे
हमने चार इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किया था तो एक कट अलोंग द डायमीटर लगाया था। ऐसे ही जब एक एन एक इवन नंबर होगा यानी एक कट तो पक्का है कि अलोंग द डायमीटर लगेगा, यानी बाकी के बचे एन माइनस टू कट्स। उन एन माइनस टू कट्स में से आधे कट्स जो होंगे यानी एन माइनस टू बाय टू कट्स डायमीटर के ऊपर लगेंगे और बाकी डायमीटर के नीचे लगेंगे। और उन सारे कट्स के लिए इक्वेशन क्या होगी, थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टू के पाई बाय एन। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, जितने कट्स एक साइड में है यानी डायमीटर के ऊपर या फिर डायमीटर के नीचे कितने कट्स है वो के की वैल्यू डिसाइड करेगी। ठीक है, तो k की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन n माइनस 2 बाय 2 तक हो सकती है, क्योंकि डायमीटर के ऊपर भी n माइनस 2 बाय 2 कट्स है, डायमीटर के नीचे भी n माइनस 2 बाय 2 कट्स है। अब जैसे मान लो कि केक को मुझे 6 पार्ट में या 6 लोगों में डिवाइड करना है, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2k पाई बाय 6 बन जाएगी। अब k की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूँ, तो देखो k की वैल्यू 1, 2 एन सो ऑन एन माइनस 2 बाय 2 होती है, n का मतलब यहाँ पे 6 है, यानी 6 माइनस 2 4 बाय 2 मतलब 2 तक, यानी k की वैल्यू 1 और 2 ये दो हो सकती है, यानी थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक तो 2 पाई बाय 6 से अपने को एंगल मिलेगा, थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दूसरा 4 पाई बाय 6 से अपने को एंगल मिलेगा। k की हमने दोनों वैल्यू यहाँ रख दी, लेकिन अगर n ऑड नंबर है तो क्या करोगे, तो अगर n ऑड नंबर है फिर भी नंबर ऑफ कट्स तो n माइनस 1 ही है, लेकिन अब यहाँ पे डायमीटर के अलॉन्ग कोई भी कट नहीं लगेगा, आधे कट डायमीटर के ऊपर लगेंगे आधे कट डायमीटर के नीचे लगेंगे, यानी n माइनस 1 बाय 2 कट्स ऊपर होंगे n माइनस 1 बाय 2 कट्स नीचे होंगे। इक्वेशन सेम बनेगी, थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2k पाई बाय n, और यहाँ पे k की वैल्यू 1, 2, 3 एन सो ऑन एन माइनस 1 बाय 2 तक हो सकती है। जैसे 5 लोगों के लिए हमने किया था तो थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2k पाई बाय 5 हो गया, k की वैल्यू 1 और 2 क्योंकि n माइनस 1 बाय 2 का मतलब हो गया 2, यानी k की वैल्यू 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, तो दो इक्वेशन अपने पास मिलेगी, थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 5 और थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4 पाई बाय 5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एग्जैक्टली मुझे वो सेंटर एंगल मिल गया, सेंट्रल एंगल मिल गया जिसके लिए जहाँ पे मेरे को कट करना है, ठीक है, उतने एंगल का सेगमेंट मेरे को कट करना है पैरेलली, तो अपने केक्स जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसी कैलकुलेशन देख के ये चीज तो पक्की है कि केक कट करने का जो कन्वेंशनल तरीका है वही बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।